हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया और हाईकोर्ट ने यह तय कर दिया कि जो स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया था और नोटिस पे जो पिटीशन बागियों ने दी थी उस पर वो खारिज उस पिटीशन को वो मानेगा। यानी सचिन पायलट गुट के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ा झटका है। हाईकोर्ट से जो उम्मीद कर रहे थे गहलोत साहब, स्पीकर साहब, वो उनको नहीं मिल पाया। अब खबर यह आ रही है कि किसी भी वक्त फेयरमाउंट होटल, जहां पर तमाम कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं अशोक गहलोत की अगुवाई में, उसी जगह पर अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पहला रिएक्शन अशोक गहलोत का हमको मिल सकता है इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद, जहां पर सचिन पायलट गुट को राहत मिली है। सचिन पायलट गुट ने पिटीशन लगाई थी आज सुबह जब फैसला रिजर्व हो गया था 2 दिन पहले, उसके बाद की इस मामले में केंद्र को भी पार्टी बनाया जाए। तो हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पार्टी बना लिया है और यह साफ कर दिया है कि जो सदस्यता रद्द करने की बात थी वो हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है, उस पर हम फैसला नहीं देंगे। लेकिन जो यथास्थिति है विधानसभा की, कांग्रेस पार्टी के विधायकों की, उसको बरकरार रखा जाए। यानी 19 के 19 विधायक अभी कांग्रेस पार्टी के विधायक बने रहेंगे। उनकी सदस्यता खारिज करने के लिए जो नोटिस स्पीकर की तरफ से गया था उसको एंटरटेन नहीं किया गया है। तो एक तरीके से स्पीकर सीपी जोशी का जो नोटिस था उस पर रोक लग गई है। तमाम बागियों की सदस्यता बनी रहेगी। सचिन पायलट गुट के साथ जो 19 विधायक हैं उनकी सदस्यता पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इसी के बाद के आगे से, जहां पर सब चीजें और साफ हो पाएंगी। क्या हुआ हाई कोर्ट में आज, आपके सामने ग्राफिक्स हैं। कोर्ट ने कहा मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा जाए। स्पीकर के आदेश पर कोर्ट ने अपनी रोक को बरकरार रखा। एमएलए की अयोग्यता पर फैसला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यह साफ कहा हाईकोर्ट ने, तभी सदस्यता सभी की बनी हुई है। केंद्र सरकार को एक पक्ष बनाने की जो अपील थी वो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। अब केंद्र सरकार भी इस मामले में एक पक्षकार होगी। ये पिटीशन सचिन पायलट खेमे की तरफ से आई थी। अभी तक ये मामला स्पीकर और बागियों के बीच में था, अब केंद्र सरकार भी इसमें एक पक्षकार बन गई है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अशोक गहलोत गुट को जैसे कि आभास हो गया था कि हाईकोर्ट से उनको राहत ना मिल पाए, इसीलिए स्पीकर आनंद फानन में सोमवार को पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों की हनन की याचिका लेकर। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन फैसला सोमवार को होना है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए, मनीष शर्मा जो कि हाईकोर्ट पर जयपुर में नजर रखे हुए थे, और आदेश रावल यहां दिल्ली में जो लगातार सचिन पायलट और उनके तमाम गुट के संपर्क में है। मनीष के पास चलना चाहूंगा पहले। मनीष, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सचिन पायलट के लिए, उनके तमाम साथियों के लिए कम से कम अगले 2 दिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं आ जाती तब तक राहत भरे हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाएगा या वहां जाकर झटका मिल सकता है, क्या लगता है आपको मनीष? जी बिल्कुल सुमित जी, ये आपका सवाल चूंकि कानूनी मुद्दे पर है और मेरे साथ इस वक्त प्रतीक कासलीवाल है जो इस पूरे मामले में लगातार पल पल वहां कोर्ट रूम में रहे हैं। प्रतीक, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब ये मामला क्या सुप्रीम कोर्ट में चला गया? सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला लंबित है, कल कोर्ट ने काफी देर तक सुनवाई करी, समय का अभाव था तो कोर्ट ने ये कहा कि हम सोमवार को सुनेंगे, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी ऑर्डर पारित किया जाएगा वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है उसके अंदर रहेगा। अब हमको सुप्रीम कोर्ट को आज के ऑर्डर के बारे में अवगत कराना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना है या नहीं करना है। प्रतीक, मैं ये जानना चाहूंगा स्टेटस को, यानी कि स्पीकर के नोटिस को स्टेटस को किया गया, एक प्रेयर 4 रिजेक्ट हुई। प्रेयर स्टेटस को जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को नोटिस दिया गया, उस नोटिस के ऊपर यथास्थिति बरकरार करने के निर्देश दिए हैं, और प्रेयर जो सी और डी थी उस पे कोर्ट ने कहा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेयर ए बी और ई पे ही आगे सुनवाई होगी। सीडी क्या है प्रतीक? सीडी उन्होंने ये कहा था कि हाईकोर्ट डायरेक्शन दे कि स्पीकर हमको डिस्क्वालीफाई ना करे, तो कोर्ट ने कहा कि ये स्पीकर महोदय के हक में है और उनके अधिकार में है कि वो क्या करते हैं, हम सिर्फ ये देखेंगे कि 14 तारीख का नोटिस जो दिया गया वो सही दिया गया या नहीं, और दूसरा क्या शेड्यूल 10(2)(1)(a) असंवैधानिक है या नहीं है। प्रतीक, ये कह सकते हैं हम कि ये जो अधूरा सा है कुछ स्टेटस को, मतलब कि कुछ फैसला भी नहीं हुआ,
और सीधे तौर पर सचिन पायलट खेमे को राहत भी मिली? सर्टेनली कोर्ट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई फाइनल ऑर्डर होता है, जिस तरह से सुनवाई हुई और जिस तरह से उन्होंने कल उच्चतम न्यायालय पे दर्शाया कि यहाँ तो साहब पूरी सुनवाई हो गई है, कल एक फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, तो आज आप कोई कार्रवाई ना करें, कोई इंटरफेरेंस ना दें, लेकिन कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आता, एक इंटरिम ऑर्डर आता है, यूनियन को आज पक्षकार बना दिया जाता है सबको सुनने के बाद, तो पूरा घटनाक्रम ऐसा ही कुछ दर्शा रहा है जी। अब इस मामले में क्या हाईकोर्ट में कभी सुनवाई होगी? हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार पक्षकार अपना पूरा पक्ष रख दें, प्लीडिंग कंप्लीट हो जाए, तो कोई भी आदमी एक जल्दी त्वरित मैटर को लगने की एप्लीकेशन लगाए और उसके उपरांत कोर्ट देखेगी कि उसको सुनवाई कब करनी है। यानी कि आम बोलचाल की भाषा में बात करूं तो आगे कुछ दिनों में इस मामले की हाईकोर्ट में तो कम से कम सुनवाई नहीं होगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो चीफ जस्टिस महोदय हैं वो दो हफ्ता अब जोधपुर बैठेंगे और मैटर पार्ट हेड है, तो संभावनाएं अभी इतनी जल्दी कोई ऑर्डर आने की कमी नजर आ रही है जी। अब सुप्रीम कोर्ट में गेंद है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर जाएगा वो तो बहुत अधाधूरा सा नहीं हुआ? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फिर एक इंटरिम ऑर्डर आएगा, कल को सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि अभी तो इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ, जब हो जाता है तब हम तय करेंगे, ये उच्चतम न्यायालय को देखना है कि वो इस ऑर्डर पे आगे कैसे कार्रवाई करें। लेकिन एक बात तो तय है, कोर्ट ने ये मान लिया कि वो स्पीकर के अधिकारों में कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अतिक्रमण तो कर दिया गया है जब आपने स्टेटस को का ऑर्डर किया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज तो छिड़ चुकी है। लेकिन साथ ही उन्होंने जो ये कहा प्रेयर फोर जो रिजेक्ट हुई वो भी तो स्पीकर के अधिकारों से ही थी। वो स्पीकर का अधिकार जब आपने नोटिस पे रोक लगा दी तो वो स्पीकर का अधिकार कहीं ना कहीं तो हस्तक्षेप किया गया है, कोर्ट के द्वारा किया गया है, बट हाँ अगर कोई और याचिका स्पीकर महोदय के समक्ष रखती है और वो नोटिस देते हैं तो वो स्वतंत्र होंगे, उस पे कोई रोक नहीं है जी। ये ऑर्डर कब तक आ जाएगा प्रतीक? अभी हम इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट हो सकता है कोई करेक्शन करे या कुछ है, जैसे ही ऑर्डर अपलोड होता है या हमें कॉपी मिलती है हम आपको अवगत करा। आप शुक्रिया। तो जैसा प्रतीक काठीवाल सीनियर एडवोकेट जो इस पूरे मामले में खुद भी पक्षकार हैं और स्पीकर राजस्थान विधानसभा की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस मामले में स्टेटस को किया गया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी मुद्दा बताया कि इस मामले में स्पीकर के अधिकार यानी उनके क्षेत्राधिकार में तो दखल निश्चित रूप से हुआ है, खासतौर पर इस नोटिस पर स्टेटस को। हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं चीजों को चुनौती के तौर पर स्पीकर और स्पीकर के वकील इस पूरे मामले को देख सकते हैं, क्योंकि उनको जो राहत चाहिए थी हाईकोर्ट से वो उनको नहीं मिल पाई। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, क्योंकि अब कानूनी लड़ाई से अधिक ये मामला राजनीतिक तौर पर चला गया है, क्या तैयारियां चल रही है? मेरे साथ मेरे तीन सहयोगी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आशीष कुमार सिंह है, आदेश रावल है और प्रफुल्ल श्रीवास्तव है। प्रफुल्ल के पास पहले चलता हूं एक बार के लिए। प्रफुल्ल जयपुर में फेयरमाउंट होटल पे है, जहां पर कुछ देर के बाद माना बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। प्रफुल्ल दिखाइए क्या तैयारियां हैं, कब तक आने वाले हैं मुख्यमंत्री? और अभी जब ये सताया है तो अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवस्था कर दी गई है कि यहाँ पर अब से कुछ देर में होटल फेयरमाउंट से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर जो पहली प्रतिक्रिया है जो वो यहाँ देंगे, तो इसके लिए व्यवस्था कर ली गई है, यहाँ पर सुरक्षा की भी व्यवस्था कर दी गई है और ये सामने जो आप देख रहे हैं जहाँ पर लोग आपको नजर आ रहे होंगे इसी जगह से अशोक गहलोत अब से कुछ देर में बाहर आएंगे और यही कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 मिनट में वो बाहर आएंगे और अपनी पहली प्रतिक्रिया इस मामले पर देंगे। क्या बोलेंगे अशोक गहलोत, इस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि अशोक गहलोत लगातार ये कहते रहे कि नंबर्स उनके पास हैं। आशीष कुमार सिंह के पास चलते हैं। आशीष, आशीष आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल सुमित जी। आशीष आप कहाँ हैं और वहाँ क्या चल रहा है? सुमित जी मैं भी इस वक्त फेयरमेंट होटल पे हूँ, अभी आप प्रफुल्ल से बात कर रहे थे, थोड़ी सी मूवमेंट भी हुई है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, दिखा दें चाको साहब, वो मेन गेट से कुछ अधिकारी बाहर आए एनी मोमेंट, जैसा प्रफुल्ल आपको बता रहे थे चीफ मिनिस्टर जी आने वाले हैं, सीएम साहब आने वाले हैं। सीएम गहलोत आते हुए दिखाई दे रहे हैं आशीष हम लोगों को, अधिकारियों के साथ ये बताया जा रहा है मुझे कि सीएम खुद चलकर आ रहे हैं बाहर और जो तैयारी की गई है, जैसे कि अभी प्रफुल्ल दिखा रहे थे अपने कैमरे के जरिए कि एक टेबल लगा दी गई है, उस टेबल पे माइक्रोफोन्स रख दिए गए हैं, उसके पास आकर इन तस्वीरों में तो मुझे अशोक गहलोत अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ रक्षाकर्मी हैं, ये शायद इंस्पेक्शन करने आ रहे होंगे कि क्या तैयारी की गई है अशोक गहलोत के बयान की। लेकिन आशीष मैं आपके साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, नंबर है ना, नंबरों को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है अशोक गहलोत कब यहां से बाहर आएंगे? आशीष जी हाँ बिल्कुल, आज कांग्रेस के एक उच्च सूत्र से
जी सुमित जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर से आज मेरी बात हुई और उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंटली मुझे ये निजी तौर पर क्लेम किया कि नंबर्स हमारे इंटैक्ट हैं और मामला फ्लोर टेस्ट पे जाता है तो बहुत इजीली गहलोत कैंप फ्लोर टेस्ट जीत जाएगा। उन्होंने ये तक दावा किया हमारे सोर्स ने सुमित जी कि जो विधायक सचिन पायलट के साथ हैं अभी उनमें से भी कुछ विधायक फ्लोर टेस्ट के वक्त साथ देंगे गहलोत साहब का और बहुत कंफर्टेबली फ्लोर टेस्ट जीत जाएंगे। तो आपके सवाल का जवाब मैं ये दे सकता हूं कि गहलोत कैंप ये जरूर दावा कर रहा है कि उनके पास नंबर्स हैं और फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो फ्लोर टेस्ट में मेजॉरिटी प्रूफ करके अपनी सरकार। बिल्कुल, अब अशोक गहलोत को लेकर तैयारी हो रही है। अशोक गहलोत कब आएंगे बयान देंगे, सीधी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं जयपुर से, जहां पर कुछ ही मिनटों में बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत आकर बयान दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। प्रफुल कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रफुल देखिए सुमित, यहां पर जहां पर व्यवस्था की गई थी यहां से हटाकर अब कुछ दूर में यहां आएंगे मुख्यमंत्री और बात करेंगे। और ये भी अभी बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री के साथ जो तमाम विधायक हैं वो भी शायद बाहर निकलेंगे और यहां से वो राजभवन जा सकते हैं, ऐसी अभी जानकारी दी गई है। इसलिए यहां से व्यवस्था जो है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि इसी रास्ते से जो बस है वो जाती आती है, एक ही रास्ता है ये अप्रोच रोड, और इसी रास्ते ये लाइव बिल्कुल बिल्कुल यहां से निकला जाएगा। तो ये एक तरीके से शो ऑफ स्ट्रेंथ भी होगा, यही बताया जा रहा है प्रफुल, एक तरीके से शो ऑफ स्ट्रेंथ भी होगा। जयपुर से लाइव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सीधी बिल्कुल अनएडिटेड तस्वीरें आपके सामने हैं, बिल्कुल रॉ फुटेज जिसमें आप देख सकते हैं कि जयपुर में क्या तैयारियां चल रही हैं। प्रफुल श्रीवास्तव मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। प्रफुल, इसका मतलब शो ऑफ स्ट्रेंथ होने वाला है, गहलोत के साथ तमाम विधायक बाहर निकलेंगे, उनकी गिनती कराएंगे राज्यपाल के पास ले जाकर, क्या ये तैयारी है? देखिए लग ऐसा ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि पहले यहाँ पर जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की गई थी वहां से दूर कर दिया गया, कहा कि यहाँ पर आएंगे बात करेंगे मीडिया कर्मियों से और उसके बाद जाएंगे, और लेकिन ये भी बताया गया है हमें कि उनके साथ विधायक भी निकलेंगे, तो ये भी साफ है कि कहीं ना कहीं नंबर्स होंगे। मेरे साथ तमाम सहयोगी है, उनसे बातचीत करते रहेंगे। आशीष को भी मैं इन तस्वीरों में देख पा रहा हूँ, प्रफुल भी है। अब ये लाइव तस्वीरें जयपुर से आपके सामने स्क्रीन पर खटी हुई हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि जयपुर में फेयरबाउंड होटल के पास। प्रफुल्ल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस फेयरबाउंड होटल से कितनी दूरी पर है राजभवन? पैदल चल के जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे, क्या प्लान है? बात करिए किसी सुरक्षाकर्मी से, कोई कांग्रेस का नेता अगर वहां मौजूद हो। प्रफुल्ल, ठीक है, कोशिश करते हैं हम यहां से। आशीष भी मेरे साथ मौजूद है। आशीष, ये जो कहा जा रहा है कि पहले बाहर आके बात करने वाले थे, अब दूर कर दिया गया, निकलेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितनी दूर है राजभवन और कितने लोग जाएंगे? देखिए प्रफुल, यहाँ से डिस्टेंस तो कोई आधा घंटा लगेगा राजभवन पहुँचने का, और आपकी जानकारी मुझे लगता है सही है। अभी भी एक दो अधिकारियों से मैंने ये बात की है तो वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि राजभवन जाने वाले हैं, हालांकि स्पष्ट करेंगे अभी मुख्यमंत्री आने वाले, लेकिन बड़ी बात है कि संभवतः विधायक भी आज मुख्यमंत्री के साथ उनके साथ जाएंगे। नंबर वहां पे जानने को मिल रहा है, ऐसा जो आपकी सूचना है मैं वही कह रहा हूं कि वो अधिकारियों से हम पूछ रहे हैं और वो लोग भी ये बता रहे हैं कि राजभवन जाना है और संभवतः विधायक मुख्यमंत्री के साथ जाने। देखिए यहां पर जो व्यवस्था है, जिस तरह से व्यवस्था की जा रही है, ये देखिए बीच में टेबल ला के रख दिया गया है, मुख्यमंत्री यहां सामने की ओर से आएंगे, यहां रुकेंगे, यहां बयान देंगे और उसके बाद में यहां से वो रवाना होंगे, और यही बताया जा रहा है अभी तक जो जानकारी भी मिल रही है कि उनके साथ यहां से विधायक होंगे, वो राजभवन की तरफ जाएंगे। आशीष कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं पीछे, प्रफुल्ल मैं देख पा रहा हूं। आशीष जब जानकारी जी बोलिए, आशीष कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सुमित जी, बड़ी जानकारी ये मिली है जैसा प्रफुल्ल बता रहे थे, सभी विधायक जा रहे हैं और ये राजभवन में गवर्नर से रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ है, इस सरकार को वैधता दी जाए और संभव है कि वहां जाकर के मांग की जाए कि फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए, मेजोरिटी हम प्रूफ करने के लिए हमारे अपनी तरफ से ही। अशोक गहलोत खुद से जाके मांग करेंगे, सभी विधायक जा रहे हैं राज्यपाल से निवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ जाने वाले। मुख्यमंत्री तो सुमित जी को अगर आप सुन पा रहे हैं, आशीष मुझे, प्रफुल्ल आप दोनों अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तो क्या ये पैदल मार्च होगा? क्या फेयरमाउंट से राजभवन तक पैदल जाया जा सकता है? कितनी दूरी है? नहीं, सुमित जी, डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि पैदल मार्च यहाँ से राजभवन तक नहीं हो सकता,
यहां से मुख्यमंत्री और उनके साथ बसों में विधायक जाएंगे और जितने विधायक यहां फेयरमोंट होटल में हैं ये सभी लोग मुख्यमंत्री के साथ राजभवन जाने वाले, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो पैदल मार्च नहीं हो सकता, तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगेगा। तो डिस्टेंस तकरीबन 22 से 24 किलोमीटर का है यहां से, क्योंकि शहर के आउटर में ये कुकसना एरिया है, तो यहां से बस से ही जाएंगे संभवतः, और उसके लिए पीछे तैयारियां भी हटाया जा रहा है। आप आ जाइए जहां पे आपको रखा जा रहा है उस दायरे में आप आ जाइए, कानून के जो 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 भी लोग काम कर रहे हैं सुरक्षा कर्मी उनके उनके काम में दखल नहीं पैदा करना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों को कि अशोक गहलोत गुट अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए राज्यपाल के पास जा रहा है। हमारे पास नंबर है ये दावा करने के लिए तमाम विधायकों के साथ जो फेयरमाउंट होटल में रुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको लेकर राजभवन जाएंगे। हमारे सहयोगी ने बड़ी खबर दिया आशीष कुमार सिंह ने, उसकी तैयारी जयपुर में फेयरमाउंट होटल के बाहर चल रही है। पहले बयान दिया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा और फिर बसों में तमाम जितने विधायक हैं 100 से ऊपर जो दावा किया जा रहा है वो सब जाएंगे राजभवन कलराज मिश्रा जी के पास जो कि राज्यपाल हैं, और वहां पर अपनी ताकत दिखाने के बाद ये कोशिश की जाएगी कि सरकार को बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाजत मिल सके। फोन मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल भी हैं, आशीष भी हैं। अब आशीष आदेश भी जुड़े हुए हैं दिल्ली में, आदेश के पास मैं जाता हूं लेकिन आशीष के पास मैं जाऊंगा। आशीष ये बताइए, अभी कुछ देर पहले मनीष शर्मा से बात कर रहे थे, मनीष शर्मा का ये कहना है कि विपक्षी इस बात को लेकर आश्वस्त होते जा रहे हैं कि 99 से 100 का आंकड़ा बीजेपी और बीजेपी के तमाम साथियों के पास आ गया है जिसमें कांग्रेस के बागी भी हैं। ऐसे में अशोक गहलोत के पास 100 के ऊपर नंबर होंगे क्या? आशीष देखिए ऐसा दावा तो कर रहे सुमित जी, जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के सीनियर लीडर ने हमसे ये स्पष्ट कहा है कि हमारे पास तो नंबर्स पूरे हैं, बल्कि सचिन पायलट इस बात की चिंता करें। ऐसा गहलोत कैंप का दावा है कि सचिन पायलट के साथ जितने विधायक हैं उसमें से कुछ विधायक टूट करके फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब फ्लोर टेस्ट होता है तो वो अशोक गहलोत का समर्थन करेंगे। क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम उस तरफ से क्लेम ये आया था कि अगर विधानसभा का सत्र होता है, विश्वास मत होता है, तो कुछ लोग गहलोत गुट में जो बेड़ेबंदी में हैं वो इधर आ सकते हैं, ये उस तरफ के गुट का दावा है, ऐसी भी चर्चा मनीष शर्मा से हम लोग कर रहे थे। लेकिन आशीष मैं ये जानना चाहूंगा इन सब के बीच में नंबर कहां होंगे ये तो विधानसभा के अंदर ही तय होगा, पर कुल मिलाकर जो तैयारी हाईकोर्ट में की गई थी, स्पीकर का नोटिस दिया गया, सचिन पायलट गुट हाईकोर्ट चला गया, जो राहत मिलने की उम्मीद थी हाईकोर्ट से वो नहीं मिली, शायद इसको एंटिसिपेट स्पीकर ने कर लिया था इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने मूव किया। क्या आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल पाएगी कांग्रेस को, मुख्यमंत्री को, स्पीकर को? देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट का विवेक है सुमित जी, लेकिन आपका आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह की राहत की उम्मीद थी उस तरह की राहत नहीं मिली, और एक टेक्निकल इशू भी है कि अगर आपको विधानसभा का कोई सेशन बुलाना है तो आपको 3 दिन का नोटिस विधायकों को देना पड़ता है, और मुझे लगता है कि इसी वजह से आज एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी हो जाएगा, सभी विधायकों को चीफ मिनिस्टर वहां लेकर के जा रहे हैं, और अगर ये बात तय हो जाती है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है इरादा फ्लोर टेस्ट लेने का हो, तो मुझे लगता है कि आज ही ये भी संभव है कि विधायकों को 3 दिनों का नोटिस दे दिया जाए, क्योंकि ये नोटिस उन विधायकों को भी जाएगा जो सचिन पायलट के साथ हैं। निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि जिस तरह की राहत की उम्मीद थी वैसे नहीं हुई, और शायद मुझे लगता है इसीलिए ये काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि सबके सामने ये स्पष्ट कर दिया जाए, गवर्नर के सामने ये स्पष्ट कर दिया जाए कि कितने विधायक अशोक गहलोत साहब के साथ हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अपना बयान दें आशीष, उसके पहले क्विक रिएक्शन सचिन पायलट खेमे का भी जान लेना चाहिए कि वहां क्या चल रहा है, क्योंकि उनके लिए राहत भरी खबर हाईकोर्ट से आई। आदेश रावल यहां पर हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं सचिन पायलट पर खासतौर पर। आदेश में आपसे पूछना चाहूंगा, सचिन पायलट से बात हो पाई इस फैसले के बाद जो हाईकोर्ट में आज हुआ, क्या कहना है उनका? नहीं सुमित जी, अभी तक सचिन पायलट से बात नहीं हो पाई है इस फैसले के बाद, लेकिन सचिन पायलट ने कल मुझसे जरूर कहा था कि जैसे ही कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उसके बाद मैं अपने वकीलों से कंसल्ट करके मीडिया के सामने आऊंगा और तमाम जितने मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनके जवाब दूंगा। अब देखना ये होगा कि क्या हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार को, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट डे वन से एक बात कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कराइए, आपके पास बहुमत नहीं है, लेकिन गहलोत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उनके पास 103 नंबर है। तो अब देखना ये होगा कि अगर फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनती है तो ऐसे में क्या होता है। और सुमित जी, दूसरी बड़ी बात जो मैं बताने वाला हूं अभी वो ये है कि कांग्रेस पार्टी अब
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेगी, उससे पहले ही वो अपना बहुमत साबित करने की कोशिश करेगी। हालांकि उसमें रिस्क भी है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि उसमें रिस्क है, लेकिन फिर भी हम ये रिस्क लेंगे और उससे पहले फ्लोर टेस्ट करेंगे ताकि अगले 6 महीने के लिए कम से कम कोई दूसरी पार्टी या कोई सचिन पायलट या बीजेपी कोई भी फ्लोर टेस्ट की मांग ना कर पाए। अब क्या करेंगे, बीच में शनिवार एक बार आदेश, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लिस्टेड है सोमवार के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा है, तो क्या वीकेंड पे भी हो सकता है, क्या इतने आनंद फानंद में हो सकता है या साथ साथ चलेगा सोमवार को, क्या कहते हैं आपके सूत्र? देखिए सुमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सोमवार को सुनवाई है, पैरलर कांग्रेस पार्टी ये चलाएगी और ये कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जा सके। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जहां तक मेरी जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि एक दिन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा इस बात के ऊपर, क्योंकि कल भी जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी तो कई जजेस ने ये बात कही थी कि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, कोई भी विधायक अपनी पार्टी में अपनी बात रख सकता है, और इसीलिए सचिन पायलट चुप है, आज तक उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक शब्द नहीं बोला मीडिया के सामने, यहां तक कि उनकी एक फोटो पिछले 12 दिन में किसी कैमरे में कैद नहीं हो पाई है, वो इतने गुपचुप तरीके से अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बड़ी राहत सचिन पायलट को आज मिली है, अब देखना यह कि आज हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बाद या फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद वो सामने आएंगे और उन तमाम बातों का जवाब देंगे जो उनके बारे में पिछले 12 दिन में कही। अगर अशोक गहलोत गुट को अपने नंबर दिखाकर 6 महीने के लिए एक तरीके से अमर होने का मन कर रहा है कि और कोई हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव ना ला पाए, 6 महीने की राहत मिल जाए, तो ये काम बीते 10 दिनों में क्यों नहीं किया, क्यों हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करते रहे? ये तो तब भी कर सकते थे, अब राज्यपाल से 2 बार मिले इस बीच में वो कि हमको हाउस बुलाने की इजाजत दीजिए, हम विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर कई सारी मीटिंग्स हुई सुमित जी, और उसमें अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल सबने एक ही बात कही कि स्पीकर की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप उसके फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिस आधार पर जिस तरीके की बहस की गई है, सचिन पायलट का जो साइड था वो इसलिए मजबूत था क्योंकि उन्होंने बार बार ये बात कही कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और मैंने एक शब्द कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अभी तक नहीं बोला है और मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई अशोक गहलोत से है, मैं चाहता हूं कि मेरी बात आलाकमान सुने। लेकिन जब उनके ऊपर सेडिशन चार्ज लगा तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि ऐसा कहीं नहीं देखा मैंने कि अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ सेडिशन चार्ज लगा दिया गया और कांग्रेस आला कमान ने कुछ नहीं कहा। सेडिशन चार्ज का नोटिस तो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी था, मुख्यमंत्री को भी वो नोटिस गया था, खुद अशोक गहलोत को। मनीष शर्मा मेरे साथ है, मनीष समझा पाएंगे इस बात को। मनीष आदेश में आता हूं, मनीष मैं आपसे समझना चाहूंगा, 14 तारीख से लेकर आज 24 तारीख हो गई, इस बीच में चाहते तो विधानसभा का सत्र बुलवाने की अपील कर सकते थे, मुख्यमंत्री राज्यपाल से कह सकते थे कि नंबर मुझे पेश करने हैं, क्यों नहीं किया गया? जी जी बिल्कुल सुमित जी, इसके पीछे सीधे सीधे एक राजनीतिक साजिश जिसको कहा जाए कि एक पैतरा था, क्योंकि वो जानते थे कि मामला अभी कोर्ट में है और उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद रही होगी कि चूंकि सिर्फ विधानसभा स्पीकर ने नोटिस दिए हैं और ऐसे में कोई भी कोर्ट विधानसभा के स्पीकर के नोटिस मात्र पर कोई कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, इसी एक अंदेशे के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, हालांकि हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब राजभवन में राज्यपाल से मिले थे तो उन्होंने संक्षिप्त सत्र बुलाने पर चर्चा की थी, तभी ये बातें सामने आई थी कि मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा का एक छोटा सत्र बुला सकते हैं, लेकिन सभी की निगाहें थी हाईकोर्ट पर और हाईकोर्ट में लगातार फैसला टलता गया। इस बीच स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उलझ गया, तो अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार को ये अंदेशा तो लग ही रहा है कि जिस प्रकार से सचिन पायलट गुट को राहत मिली है तो ये मामला लंबा खिंच सकता है और ऐसे में विरोध के स्वरों को दबाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि अगले 6 महीने, क्योंकि अगर संसदीय व्यवस्था की बात करें तो एक बार अगर विश्वास मत आ जाता है तो अगले 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, 6 महीने तक कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के बगैर ही विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की अपील की जाए। और दूसरा सवाल मनीष आपसे, क्या राज्यपाल के ऊपर राज्यपाल बाध्य होंगे मुख्यमंत्री की बात मानने का कि विश्वास मत मुझे हासिल करना है, बुलाइए सत्र को, या राज्यपाल तय करेंगे अपने विवेक से कि कब बुलाना है, कितनी तारीख को बुलाना है, कितने समय पर बुलाना है?
जी सुमित जी, आपने जो ये अभी सवाल किया, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि राज्यपाल पहली बात तो किसी भी कानून और नियम के तहत बाध्य नहीं होते, लेकिन आम तौर पर अगर संसदीय परंपरा की बात की जाए तो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर मंत्रिपरिषद की सिफारिश के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से ये लिख दिया जाए कि राजस्थान में जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है और उनकी सरकार के विश्वास के प्रति संदेह व्यक्त हो रहा है, ऐसे में वो खुद आगे बढ़कर चाहते हैं कि वो विश्वास मत हासिल करें, तो ऐसे में सत्र बुलाए जाने की जरूरत है। तो सुमित जी, तकनीकी रूप से अगर मंत्रिपरिषद की रिकमेंडेशन हो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टिप्पणी हो तो राज्यपाल ऐसे में बिना समय सीमा का ध्यान रखे हुए विशेष सत्र बुला सकते हैं। आमतौर पर 7 दिन का नोटिस दिया जाना पड़ता है किसी भी विधानसभा को, अगर बुलवाया जाता है तो राज्यपाल 7 दिन पहले नोटिस जारी करते हैं और ये समय सीमा 14 और 21 दिन भी होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों का हवाला देकर मंत्रिपरिषद की सिफारिश के साथ मुख्यमंत्री यदि अनुशंसा करे तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में सत्र बुला सकते हैं। जी सुमित जी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये अंदेशा है अशोक गहलोत को कि जो झटका उनको हाईकोर्ट में मिला है या राहत उनको हाईकोर्ट से नहीं मिल पाई या स्पीकर को नहीं मिल पाई, वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ना हो जाए, इसीलिए नंबर्स के लिए सदन को बुला लिया जाए, अपना नंबर दिखा दिया जाए और ये 6 महीने की एक तरीके से सैंक्टिटी ले ली जाए कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, आदेश मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सचिन पायलट खेमा, जिसके पास कुल 19 विधायक हैं, जो कि बार बार कहा जा रहा है कि विधानसभा का जब सत्र बुलाएंगे और जब वो बेड़ेबंदी से बाहर निकलेंगे, सचिन पायलट के हाथों से बाहर निकलेंगे, तो वो वापस अशोक गहलोत गुट में चले जाएंगे, क्या ऐसा संभव है? देखिए, ऐसा दावा सचिन पायलट शुरू से करते आए हैं, जब उनके पास 19 विधायक लेके वो दिल्ली पहुंचे थे और उनमें से 3 विधायक उनके वापस चले गए थे जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, इनके गुट के माने जाते थे, और 2 मंत्री ऐसे हैं जो उनके कैंप के हैं जो दिल्ली आए ही नहीं थे। तो कुल मिलाकर सचिन पायलट ने दावा किया था स्टार्टिंग में कि उनके पास 30 विधायक हैं और बाकी जो है निर्दलीय वो जयपुर में उनका साथ देंगे, इसीलिए वो बार बार फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे थे कि फ्लोर टेस्ट कराइए, आपके पास नंबर नहीं है। और ये जो पूरी घटना है राजस्थान की सुमित जी, ये फ्लोर टेस्ट की तरफ बढ़ रही है, हालांकि इसकी पहल अब खुद अशोक गहलोत ही कर रहे हैं या कांग्रेस ही कर रही है कि कुल मिला के किसी भी तरीके से अब फ्लोर टेस्ट कर देते हैं कहीं, क्योंकि जितने भी विधायक अभी उनके पास है, चाहे वो 102 है 103 है, कहीं उनमें से भी कोई तोड़ने की कोशिश ना हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट की तरफ जाना चाहती है, फ्लोर टेस्ट करवाना चाहती है। इसी उम्मीद में सचिन पायलट है कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उनके 19 विधायक के अलावा और भी लोग हैं जो चुप हैं, जो अपने आप को एक्सपोज करना नहीं चाहते, लेकिन वो हमारे साथ हैं। इस उम्मीद के ऊपर सचिन पायलट कायम है कि मैं अशोक गहलोत सरकार को गिरा पाऊंगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं दोनों तरफ उम्मीदें हैं, भरोसा कहीं नहीं है। उम्मीदें हैं, भरोसा कहीं नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। और मेरे आशीष कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। आशीष, कितनी देर और? काफी देर से तैयारी हो गई है, कब कहां है मुख्यमंत्री गहलोत साहब? आशीष, क्या मुझे सुन पा रहे? आशीष के पास आवाज नहीं जा पा रही, शायद फोन का कनेक्शन की कोई दिक्कत है। लेकिन ये तस्वीरें जयपुर की हैं, फेयरमाउंट होटल के बाहर की तैयारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप देख सकते हैं नीचे माइक्रोफोन्स रखे हुए हैं, सामने जो रोड आपको दिखाई दे रही है वहां पर फेयरमाउंट होटल का गेट है दाहिने हाथ पर, वहां से निकलेंगे मुख्यमंत्री और बताया जा रहा है कि तमाम विधायकों के साथ यहां आएंगे और अपना बयान देंगे और फिर सब लोग राजभवन जाकर राज्यपाल से अपील करेंगे कि विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें कांग्रेस पार्टी विश्वास मत हासिल कर सके। आशीष कुमार सिंह मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। आशीष, और कितनी देर, कोई अपडेट ताजा? जी, एनी मोमेंट 12 बजे का समय हमें बताया गया था सुमित जी, एनी मोमेंट आने वाले, सारे प्रिपरेशन हैं, आपको प्रफुल्ल ने पहले भी दिखाया, एनी मोमेंट मुख्यमंत्री आएंगे, क्योंकि सभी विधायकों को लेकर के जाया जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ व्यवस्था की देरी और कुछ नहीं, एनी मोमेंट आने वाले हैं। और संभव है कि जो विधानसभा का सत्र बुलाने की बात है ये भी कोविड के नाम पर बुलाने की बात कही जाए, संभव है कि कोरोना वायरस को लेकर के बुलाया जाए और तब फ्लोर टेस्ट गहलोत सरकार खुद ले और ये एस्टैब्लिश कर रहे कि हमारे पास नंबर्स हैं। जो बात अभी आदेश आपसे कह रहे थे सुमित जी, ये बात सही है कि सचिन पायलट भी इस बात को शुरू से क्लेम करते रहे हैं कि
गहलोत गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स है जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे एस्टैब्लिश हो जाएगा और मुझे लगता है उससे पहले काफी हद तक आज की तस्वीरें एस्टैब्लिश कर देंगी कि अशोक गहलोत के साथ कितने विधायक हैं और क्या वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, तो थोड़ी देर पहले आपने मुझसे सवाल पूछा था, कांग्रेस लीडरशिप का ये खुल करके कहना है, बड़े नेताओं का ये कहना है कि नंबर्स हमारे पास हैं, हम फ्लोर पर मेजोरिटी प्रूफ कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सचिन पायलट अपने कैंप के विधायकों को बचाएं। कांग्रेस का ये कहना है, गहलोत कैंप का ये कहना है कि कई विधायक सचिन पायलट के साथ हैं जो हमारे संपर्क में हैं और जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब मेजोरिटी प्रूफ करने की नौबत आती है फ्लोर टेस्ट के वक्त, तो वो गहलोत सरकार के पक्ष में वोट डालेंगे। होगा क्या ये भी हमें देखना बाकी है। और मुझे लगता है कि एक बार जब ये परेड होती है, 1.5 साल पहले चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी बहुमत में आती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और 1.5 साल के बाद कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़े पड़े हैं, दोनों अपने आप को असली कांग्रेस कह रहे हैं। सचिन पायलट भी कहते हैं जितनी पार्टी गहलोत की उतनी पार्टी मेरी है, गहलोत कहते हैं सचिन पायलट निकम्मे हैं, नकारे हैं। यह स्थिति है कांग्रेस पार्टी के भीतर के, कांग्रेस के आला नेताओं की उस राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी इस वक्त सत्ता में है और वो सत्ता जो कि 5 साल में विपक्ष में रहने के बाद हासिल की थी। ये तस्वीरें फेयरमाउंट होटल की हैं, किसी भी वक्त अशोक गहलोत का आके बयान देना और माना यह जा रहा है कि तमाम अपने समर्थक विधायकों के साथ निकलकर वो शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे।